कैसे करते हैं पेशेंट का पूरा इससे बाइक से सिखाएंगे। ये हमने डायरेक्टर लगाया, ये टीवी हमारी है आर्टिजन वैन लाइन, इसको हम डायरेक्टर से कनेक्ट करेंगे लगाएंगे। इसके बाद इसको सेंसर को सेंसर से कनेक्ट करेंगे, देन करेंगे। ये सब प्रोसेस हमने पहले जो फाइनिंग करने के लिए अभी हम कर रहे हैं। अभी हम मशीन को फाइन करेंगे, डायलेजर रेडी करेंगे पेशेंट को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी मशीन अभी रेडी पोजिशन में है, जो कि कपलिंग मांग रही है। ऐसा ही कपलिंग मांगती है मशीन में, ये ब्लू में रेड वाला रेड में कनेक्ट करके ओके करते हैं। फिर उसके बाद हम आईवी तक की मदद से इसको ऑन करेंगे। एनएस से इसको प्राइम करना है, क्या लेजर को प्राइमिंग मतलब ये कि फर्स्ट वाश कर देते हैं, जिससे कि कोई रिएक्शन हमारा होने का खतरा ना हो। प्राइमिंग के दौरान उसको 250 से 300 तक प्राइमिंग कर सकते हैं। और ये हमारे चैम्बर रहते हैं आरटी चैम्बर, ये वेनस चैम्बर, इनको हम फिल करेंगे CNS की मदद से। ये फिल होने के बाद फिर ये डायलेजर फिल होगा, करने के बाद पूरी टीवी को अच्छे से चेक करेंगे जहाँ पे कि कोई भी क्लाइंट जो है ओपन नहीं रहना चाहिए। NACL का ब्लड है, NACL सोल्यूशन, ये आने का मतलब है कि इसको ओके हम करेंगे, हमारी मशीन ऑलमोस्ट रेडी है डायलिसिस स्टार्ट करने के लिए। ये हमारा मोड पोजीशन आ गया है, जिससे कि पेशेंट को रेडी करने के लिए हम अपना मशीन हमारी रेडी हो गई है। तब मैं इसको सर्कुलेशन में डालेंगे, सर्कुलेशन में डालने के लिए NS लाइन कनेक्ट करेंगे और आरटी वेनस लाइन को जोड़ के क्लैंप ओपन करेंगे। ये मोटर को चेंज करते हैं और हम अपनी मशीन को सर्कुलेशन में डालेंगे। सभी पेशेंट को बेटर से क्लीन करेंगे सर्कुलेशन एरिया अच्छे से और उसको सूखने देंगे। सूखने के बाद हम इस ट्रेलियन से दोबारा से इसको क्लीन करते हैं। इस ट्रेलियन से क्लीन किए इस ट्रेलियन से काट करते हैं। ये हमारी मिडिल है, स्टार्ट मिडिल, जिससे डायलिसिस के लिए हम ब्लड इन और आउट करते हैं। तो अभी हम बाबा एक छोटी सी मिडिल लगाएंगे, ठीक है, उसी को टाइट करो।
आपने हमारी दूसरी वीडियो में भी देखा होगा जिसमें हमने निडलिंग करते हुए आप लोगों को दिखाया है और इसमें पूरा प्रोसीजर बाबा नीचे जाएगा नीचे जाएगा ये गया फिलो पैन लोड करो टीएनटी कॉम्प्लेंट है तेरे आपको वेट के अकॉर्डिंग देना है पॉइंट फाइव हो गई